हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी की और साथ ही साथ एनाटॉमी हमने शुरू कर दिया था अर्थवर्म की। ठीक, तो इस बार हम अर्थवर्म की एनाटॉमी का अगला पार्ट पढ़ेंगे। पिछली बार हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ये सारी चीजें पढ़ दी थी। ठीक, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और फूड के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की चीजें पढ़ ली थी, आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम छोटा सा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, तो तीन चार सिस्टम आज, बाकी के हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अर्थवर्म में, ये क्लोज्ड होता है। पहली चीज है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, इसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, या आप कह लीजिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें जैसे ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। ठीक, वेसल्स तो हमारे पास कुछ नली पाइप टाइप की रहेगी और उसी से ब्लड फ्लो करेगा। ठीक, तो हमें वेसल्स देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन इन ब्लड वेसल्स की ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। अगर बात करें यहाँ पे कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में कैसे फ्लो करता है, तो मान लीजिए ये है, ये एक नली है जिसमें ब्लड जा रहा है। तो जो ब्लड होता है, ये जो नली होती है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी ये थोड़ी सी पिचक जाती है इस जगह पे ऐसे। ठीक, और इससे क्या होता है कि ब्लड पीछे आने के बजाय थोड़ा और आगे चला जाता है। तो इसी वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं ब्लड वेसल में, इसी वजह से ब्लड एक ही डायरेक्शन में की फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। ठीक, फिर अगर बात करें ब्लड ग्लैंड्स की, ब्लड ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को, जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, इनको ब्लड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ब्लड ग्लैंड की बात करें तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में देखने को मिलता है। ठीक, तीन सेगमेंट याद रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें इसकी ब्लड ग्लैंड की, तो इनका काम है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स को बनाती हैं और ब्लड सेल्स यहाँ पे फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। फैगोसिटिक मतलब जो फैगोसाइटोसिस कर सके। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई वायरस है और ये एक ब्लड सेल है, तो ये ब्लड सेल जाके इस वायरस को खा लेगी। पहले ब्लड सेल जाके वायरस को खा लेगी और फिर वायरस को अंदर ही अपने मार डालेगी। तो समझ में आया, फैगोसिटिक मतलब ये ब्लड सेल जाके वायरस को खा लेगी और वायरस को खत्म कर देगी, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक, तो फैगोसिटिक नेचर की होती है ब्लड सेल्स, प्लस हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक, फिर अगर ब्रीदिंग की बात करें तो कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। जैसे हमारे पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स हैं और नोज है, ठीक, तो यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। और रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट बॉडी सरफेस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिफ्यूजन यानी जो बाहर गैस होती है उसमें से ऑक्सीजन अंदर चली आती है, और जो अंदर खराब गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसे डायरेक्ट बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो डायरेक्ट मॉइस्ट बॉडी सरफेस, जो इनकी बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है, उसी से होता है। ठीक, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ऑर्गन जो है नेफ्रिडिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको जरूर याद रखनी है कि नेफ्रिडिया होता है। पहली चीज यही पूछी जाती है एग्जाम में कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता कौन सा है। तो कॉकरोच, इसकी अर्थवर्म की बात करें तो इसमें नेफ्रिडिया पाया जाता है, और नेफ्रिडिया क्वाइल्ड ट्यूब्यूल के फॉर्म में होता है, यानी खूब सारी पाइप की तरह स्ट्रक्चर होंगे जो आपस में क्वाइल्ड होंगे। ठीक, इस टाइप से काफी सारा क्वाइलिंग होगी उसमें। फिर नेफ्रिडिया यहाँ पे तीन तरह के पाए जाते हैं, पहला है सेप्टल नेफ्रिडिया, फिर इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, फिर तीसरा है फेरेंजियल। ठीक, तो सेप्टल जो होता है ये इंटर सेगमेंटल सेप्टा पे पाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे एक सेगमेंट ये है, ठीक, और दूसरा सेगमेंट ये है अर्थवर्म का, तो इन दोनों सेगमेंट के बीच में जो ये वॉल होती है, दीवाल, इसको हम सेप्टा कहते हैं, सेप्टा। और इसी पे हमारा ये इंटर मतलब होता है किसी दो चीज के बीच में, सेगमेंटल मतलब सेगमेंट। ठीक, तो दो सेगमेंट के बीच में जो दीवाल होती है उसी सेप्टा पे पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये नेफ्रिडिया देखने मिलेंगे, कौन से, सेप्टल वाले। ठीक, बाकी सेगमेंट कौन सा, 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक। ठीक, ये चीज जरूर याद रखिएगा, इंटर सेगमेंटल सेप्टा आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, फिर दूसरा है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। इंटेग्यूमेंट्री क्या होता है कि ऑन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वॉल ऑफ सेगमेंट 3 to last, यानी जो ब्लड वॉल बॉडी वॉल होती है उसकी, अच्छा मैंने ब्लड वॉल बोल दिया था, सॉरी, जो बॉडी वॉल होती है उसकी लाइनिंग पे पाया जाता है, यानी
ये अगर बॉडी वॉल है तो इस जगह पे, ठीक, मान लीजिए ये एक सेप्टा है तो इस पे बॉडी वॉल पे पाया जाएगा, ये इस जगह पे पाई जाएगी, ठीक। तो ऑन लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल फ्रॉम सेगमेंट 3 टू लास्ट, यानी तीसरे से लेके आखिरी सेगमेंट तक ये पाई जाएगी। तीसरा है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या होता है, प्रेजेंट एज 3 पेयर टफ्ट इन बिटवीन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सेगमेंट। अब इसको समझते हैं हम, तो टफ्ट जो है, टफ्ट मतलब समझ लीजिए एक तरह का गुच्छा, ठीक। तो ये 3 पेयर के गुच्छे में पाई जाती हैं, कुछ इस टाइप से होता है, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस टाइप से 3 पेयर पाए जाएंगे और ये गुच्छे टाइप के रहेंगे, ठीक, पॉइंटेड पॉइंटेड जैसे हैं। तो 3 पेयर के टफ्ट्स में पाई जाती हैं, और किस सेगमेंट में, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में, ठीक, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में, ये जरूर याद रखिएगा। तो फेरिंजियल भी आपको पता चल गया, ठीक, तो ये हो गया। फिर दिस नेफ्रिडिया है सेम स्ट्रक्चर, ये तीनों नेफ्रिडिया जो होते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक, चाहे सेप्टल हो, चाहे इंटेगुमेंट्री, चाहे फेरेंजियल। तो बेसिक डिफरेंस आपको किस किस चीज में पता चला, इनकी लोकेशन में, जैसे सेप्टल वाला हमें सेप्टा पे देखने को मिलेगा, इंटेगुमेंट्री वाला इस जगह पे देखने को मिलेगा, और जो फेरेंजियल है ये किसी उसके किसी सेगमेंट के बीच में होंगे। मान लीजिए ये पूरा पूरा एक सेगमेंट है बड़ा सा, ठीक, और यहाँ पे इसकी ब्लड वेसल है, यानी यहाँ पे एक वेसल है जो ब्लड ले जा रही है, उसी के बगल बगल ये पेयर में पाए जाते हैं, ठीक। तो बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, लोकेशन का, ठीक, यानी यहाँ पे दे हैव दिस नेफ्रिडिया हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक, याद रखिएगा तीनों नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब हम थोड़ी चीजें पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक। तो नर्वस सिस्टम भी काफी छोटा सा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ नर्वस सिस्टम आपको। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मेन है नर्वस सिस्टम में गैंग्लियॉन। गैंग्लियॉन क्या होता है, सेल बॉडी का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ठीक। अगर एक न्यूरॉन की बात करें तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, कुछ इस तरह से, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक। तो कुछ इस टाइप से। तो अगर बात करें इस पार्ट की, इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक, ये ह्यूमन की न्यूरॉन है, लेकिन बेसिकली इसी टाइप से स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर भी और अर्थवर्म में, ठीक। और इस पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं सेल बॉडी, ठीक। तो सेल बॉडी का अगर ग्रुप हो, खूब सारी सेल बॉडी एक दूसरे में जुड़ी हो, तो उसको हम गैंग्लियॉन कहते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो मेन चीज होती है उसमें गैंग्लियॉन, और ये वेंट्रल साइड में पाई जाती है, पेयर्ड नर्व कॉर्ड होते हैं, ठीक। कॉर्ड मतलब होता है रस्सी, तो नर्व की रस्सी बनी होती है पेयर्ड में, पेयरिंग में दो दो की रस्सी होगी और उससे गैंग्लियॉन बना रहेगा, ठीक। तो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे एक ये है, दूसरा ऐसे पेयरिंग रहेगी इसमें, ठीक, तीसरा फिर एस टाइप से रहेगी। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप डीएनए का पढ़ते हैं। तो ये हो गया वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। फिर अगर थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में हम देखें तो जो ये नर्व कॉर्ड है ये बाइफरकेट कर जाता है। बाइफरकेट मतलब इसके दो टुकड़े होते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए एक नर्व कॉर्ड था जो जा रहा था, ठीक, अगर ये थर्ड और फोर्थ पेयर में पहुंचेगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक, ये इस टाइप से हो जाएगा। और फिर उसके बाद इनसर्कल फेरिंग्स, यहाँ पे बीच में, एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में मान लीजिए फेरिंग्स है, ठीक। तो ये नर्व कॉर्ड क्या करेगा, फेरिंग्स को चारों तरफ से घेर लेगा इस टाइप से, ऐसे, ठीक, फेरिंग्स को घेर लेगा। तो नर्व कॉर्ड बाइफरकेट एंड इन सर्कल फेरिंग्स फॉर्मिंग नर्व रिंग। तो ये एक रिंग टाइप की बन जाती है जिसको हम नर्व रिंग कहते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से फिगर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये है आपका नर्व कॉर्ड, मतलब ये है ब्लड वेसल, यहां पे आपका फेरिंग्स है इस जगह पे, ठीक, इस जगह फेरिंग्स है। तो यहां पे साइड से ऐसे आपका नर्व कॉर्ड जा रहा है इस जगह पे आके, फिर ये गोला बन जाएगा इस टाइप से, ठीक, फेरिंग्स के आसपास, ठीक। तो इस टाइप से ये गोला बन जाता है, थोड़ा सिंपल वो, मतलब बहुत छोटा हो गया है, तो आप इसी फिगर को ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक, ऐसे ही होता है कुछ। फिर उसके बाद अगर सेंस की बात करें, यानी जैसे हमारे पास सेंस करने के लिए आंख है, स्किन है, ठीक,
तो यहां पे सेंस की बात करें तो आंख नहीं होती इनके पास, डोंट हैव आइज, ठीक, डोंट हैव आइज। फिर उसके बाद हैव टच लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स। तो अगर बात करें टच टच रिसेप्टर की, जैसे हमारा हाथ है तो हमने छुआ तो हमें पता चल जाता है, या फिर कोई चीज इस पे छूती है तो पता चल जाता है, तो वो होता है टच रिसेप्टर। और लाइट रिसेप्टर होता है, जैसे इनके पास आंखें नहीं है, देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये जान सकते हैं कि इधर से लाइट ज्यादा आ रही है कि कहाँ, और किस साइड से कम आ रही है। ठीक, तो ज्यादा लाइट किस साइड से आ रही है, कम लाइट किस साइड से आ रही है, ये चीजें ये सेंस कर सकते हैं। ठीक, तो टच और लाइट रिसेप्टर इसमें देखने को मिलते हैं। फिर इसमें कीमो रिसेप्टर भी देखने मिलते हैं, कीमो रिसेप्टर यानी टेस्ट के लिए। ठीक, तो टेस्ट के लिए यहाँ भी रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। अब सेंस ऑर्गन जितने भी होते हैं, यानी ये जैसे टच हो गया, लाइट हो गया, या फिर कीमो रिसेप्टर हो गया, ये सब एंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट में। जैसे ये शुरुआत है, अर्थवर्म का मुंह है मान लीजिए ये, तो यही शुरुआत में ही ये सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया बस इतना छोटा सा नर्वस सिस्टम। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। जो कॉकरोच होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाईसेक्सुअल एनिमल। इसका मतलब जो मेल और फीमेल होगा वो एक ही बॉडी में होगा। ठीक, या टेक्निकली आप कह सकते हैं कि टेस्टिस यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ओवरी यानी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये दोनों प्रेजेंट इन सेम बॉडी, यानी एक ही बॉडी में दोनों होते हैं। ठीक, मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में। अब एक एक करके हम दोनों पढ़ेंगे, पहले मेल पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये टेस्टिस है अर्थवर्म का, ठीक, ये टेस्टिस है अर्थवर्म का। टेस्टिस हमारे अर्थवर्म के पास दो पेयर पाए जाते हैं। ठीक, 10th और 11th सेगमेंट में, एक पेयर 10th सेगमेंट में, एक पेयर 11th सेगमेंट में। ठीक, तो दो पेयर टेस्टिस होंगे 10th और 11th सेगमेंट में। फिर यहां से एक पाइप निकलती है जिसको हम वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक, टेस्टिस जो होता है वहां से एक पाइप निकलती है। वासा डिफरेंशिया जो है ये 12th सेगमेंट से शुरू होती है, क्योंकि 11th तक तो टेस्टिस ही रहता है। 12th सेगमेंट से वासा डिफरेंशिया शुरू होगी और 18th सेगमेंट तक रहेगी। ठीक, तो वासा डिफरेंशिया, सॉरी, तो वासा डिफरेंशिया 12th से 18th सेगमेंट तक रहेगी। अब एक और पाइप आके वासा डिफरेंशिया को ज्वाइन कर लेती है, ये वाली पाइप। ठीक, ये पाइप जो देख रहे हैं आप, ये है प्रोस्टेट डक्ट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक, वहां से आती है। ठीक, तो उसकी पाइप आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेती है इसको। अब टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म सिक्रीट करता है। ठीक, तो ये स्पर्म नीचे आ रहा है। ठीक, अब 18th सेगमेंट जो है वहां पे प्रोस्टेट डक्ट भी ज्वाइन कर ली। ठीक, प्रोस्टेट डक्ट में 18th सेगमेंट में ज्वाइन कर लिया। अब प्रोस्टेट डक्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जो सिक्रेट करेगा वो भी यहाँ से आएगा। तो हमारे पास स्पर्म भी आ रहा है और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी आ रहा है, दोनों सिक्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं। तो यानी वासा डिफरेंशिया जो है ये कॉमन डक्ट कहलाएगी, किसके लिए, स्पर्म प्लस प्रोस्टेट सिक्रेशन के लिए। ठीक, दो चीज, स्पर्म तो इसके जाता ही है, साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो भी इसी में जाता है। ठीक, तो वासा डिफरेंशिया इज अ कॉमन डक्ट फॉर स्पर्म प्लस प्रोस्टेट सिक्रेशन। अब हमारे पास दो पेयर एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो एसेसरी ग्लैंड दो पेयर यहाँ पे पाए जाते हैं अर्थवर्म में, पहला 17th सेगमेंट में और दूसरा 19th सेगमेंट में, एक एक पेयर। ठीक, तो जो 17th और 19th सेगमेंट में दो पेयर यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड पाए जाते हैं। अब जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था स्पर्मेथिकी, स्पर्मेथिकल एपर्चर नाम से आपने पढ़ा था, तो वो स्ट्रक्चर वहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे समझ में आएगा। ये 6th से लेकर 9th तक चार पेयर था। ठीक, 6th से लेकर 9th तक, तो फोर पेयर था हर एक, जैसे 6, 7, 8, 9, चार हो गए ना टोटल, हर एक सेगमेंट में एक एक पेयर। स्पर्मेथेसी का क्या काम होता है, रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोवा। तो ये रिसीव करता है और स्टोर कर लेता है, यानी रखे रहता है स्पर्मेटोजोवा को। ठीक, स्पर्मेटोजोवा आगे चल के स्पर्म बन जाता है। ठीक, तो स्पर्मेथिकी का बेसिकली यहाँ आपको काम अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये 6th से 9th सेगमेंट में होगा, चार पेयर, और रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोवा। ठीक, तो ये हो गई बात मेल की। अब फीमेल पे आते हैं। तो फीमेल पे आते हैं, जो फीमेल है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है फीमेल का यहाँ पे, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन का। ठीक, तो शुरुआत होती है 12th सेप्टम से। मैं तो कुछ सेगमेंट बना देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये अर्थवर्म था कोई, ठीक, ये था इसका 12वां सेगमेंट, ठीक, 12th। फिर ये था 13वां सेगमेंट, 13th, अभी मैं लिख दूंगा, अभी बना बना ले पहले। फिर उसके बाद ये मान लीजिए
इसका 14वां सेगमेंट है। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाया है, ऐसा नहीं बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाया है, थोड़ा जरूरत पड़ेगी उसकी आपको। ठीक, तो ये 12th सेगमेंट, ये 13th, ये 14th। ठीक, तो 12th की बात करें और 13th, तो इसके बीच में ये जो लाइन है इसको कहेंगे सेप्टम। सेप्टा कहते हैं, सेप्टा प्लूरल है, सेप्टम सिंगुलर है। ठीक, तो ये सेप्टम है, सेप्टम मतलब बाउंड्री जो किसी चीज को सेपरेट करती हो। ठीक, तो सेप्टम। अब सेप्टम पे यहाँ पे ओवरी पाई जाएगी, कितने, एक पेयर, वन पेयर ओवरी। ठीक, तो यानी कि हमारा जो ये अर्थवर्म का 12th और 13th सेगमेंट है, इसके बीच में सेप्टा पे हमें एक पेयर ओवरी देखने को मिलती है। ठीक, ये चीज आपको पता चल गई। फिर यहां से एक छोटी सी नली निकलेगी 13th से, ठीक 14th पेयर में आएगी ये नली। ठीक, ये आएगी 14th पेयर में, और यहाँ पे ये हल्का सा इस टाइप से कुछ बना देते हैं। ठीक, तो ये जो नली निकली है, पहले ये चीज समझ लेते हैं, ये जो नली है ये है ओवेरियन फनल। ओवेरियन फनल, फनल मतलब पाइप समझ लीजिए, फनल मतलब एक हिसाब से। ठीक, तो ओवेरियन फनल, और ये खुलेगी यहाँ पे जो कि है ओविडक्ट, जिसको आप वॉम्ब कहते हैं, वॉम यानी गोद जिसको कहते हैं, तो ओविडक्ट है। फिर ओविडक्ट से नीचे की ओर 14वें सेगमेंट पे ही एक पोर बनेगा। ठीक, जो कि बाहर की ओर खुलेगा। ठीक, तो ये सिंगल फीमेल, ये फीमेल का साइन है, बस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक, पोर किस सेगमेंट में, 14th सेगमेंट। ठीक, तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, 12, 13, 14 तीन ही सेगमेंट में आपका पूरा खत्म हो गया फीमेल सिस्टम। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई फीमेल के बारे में, यहाँ लिख भी देता हूँ अगर आपको याद रखना है तो, फीमेल। तो इजी है ना, 12, 13 और 14। अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ठीक, रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हमने पढ़ लिए, मतलब जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो पढ़ लिए, रिप्रोडक्शन कैसे होगा अभी ये बात आती है। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन, जैसे आपको पता है कि हर्मोफ्रोडाइट होता है, तो मेल फीमेल एक ही में होते हैं दोनों, तो ऐसा नहीं है कि अकेले ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा, एक अर्थवर्म को दूसरे अर्थवर्म की जरूरत पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि अगर मेल फीमेल एक ही में होता है अर्थवर्म, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ ही, मतलब अकेले ही रिप्रोडक्शन कर लेगा, उसको दूसरा अपना पार्टनर चाहिए फीमेल। ठीक, रिप्रोडक्शन के लिए। अब इस सेक्शन में हम समझते हैं कि होता कैसे है। तो जो मेटिंग होती है, मेटिंग उसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म, ठीक, दोनों तरफ है, पूरा लंबा सा है, मैंने थोड़ा सा उसका सेक्शन दिखाया है। यहाँ पे आपको पता है ये जो सिंगल पोर है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अर्थवर्म, अगर आप उल्टा करके देखेंगे ध्यान से तो ये पोर दिखते हैं। ठीक, तो सिंगल पोर ये है, और जो मेल होता है, मेल पोर जो होता है वो डबल होता है। ठीक, तो ये आपको पता चल गया ना, ये फीमेल पोर है, ये मेल पोर है, ये चीज याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिएगा, उसका सब समझ में आ जाएगा। तो ये फीमेल है सिंगल पोर, ये मेल है डबल। तो इसको ऐसा नहीं है कि फीमेल और मेल है तो आपस में ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको चाहिए दूसरा अर्थवर्म। ठीक, तो ये है दूसरा अर्थवर्म। ठीक, अब ये अर्थवर्म किस तरह से अलाइन होगा, ये फीमेल है, ठीक, सॉरी ये मेल है, तो ये दूसरा वाला अर्थ, जो दूसरा वाला अर्थवर्म है, ये फीमेल दोनों के सामने अपना मेल वाला रखेगा। ठीक, तो ये मेल है, और जो मेल है इसके सामने फीमेल वाला रखेगा, सॉरी जो फीमेल है उसके सामने मेल। ठीक, तो अब यहां पे मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो मान लीजिए सिंगल पोर जो है फीमेल पोर होता है, फीमेल जेनाइटल पोर, और जो डबल पोर होता है ये मेल जेनाइटल पोर होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो डबल है मेल है, मेल के सामने फीमेल वाला रखा गया, यहाँ पे जो फीमेल है फीमेल के सामने मेल वाला रखा गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे स्पर्म के पैकेट्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे ये चीज लिखता हूँ। अच्छा, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, जस्टा पोजिंग, जस्टा पोजिंग मतलब जस्ट अपोजिट,
जक्स्टा पोजिंग, ठीक, जक्स्टा पोजिंग पोजिशन मतलब जस्ट अपोजिट पोजिशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो मतलब ये जस्ट अपोजिट पोजिशन में फिर उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा स्पर्म जो होता है उसको एक्सचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज पैकेट्स ऑफ स्पर्म, यानी इसके पास ये मेल है तो इसके पास जो वो ये मेल है तो इसके पास जो स्पर्म होगा वो इनको दे देगा, और यहाँ का मेल जो है इसके पास जो स्पर्म होगा इनको दे देगा, ठीक। तो मतलब दो की जरूरत पड़ेगी, और जो ये पैकेट्स होते हैं स्पर्म के, पैकेट्स ऑफ स्पर्म, इसको हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, ठीक। छोटे छोटे पैकेट होते हैं स्पर्म के, ठीक। तो यहां से स्पर्मेटोफोर यहां आएगा और यहां से स्पर्मेटोफोर यहां जाएगा, तो मेटिंग समझना बहुत ही आसान है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी समझ में आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी मतलब अर्थम की मेटिंग। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातें और रह गई हैं इसमें, फिर चैप्टर खत्म हो, अर्थम मतलब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। अब जब मेल और फीमेल मिलेंगे, ठीक, जब मेल और फीमेल मिलेंगे यानी जब स्पर्म पहुंचेगा तो फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, कुकून बनेगा। तो कुकून बनेगा और इस कुकून को अर्थवर्म से निकाल के सॉयल में डाल दिया जाएगा, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुकून इज फॉर्म विच इज डिपोजिटेड, डिपोजिट मतलब जमा कर देना, डिपोजिटेड इनटू सॉयल, ठीक। तो कुकून बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको सॉयल में डाल दिया जाएगा, डिपोजिट कर दिया जाएगा। अब ये कुकून जो है ये लगभग 2 से 20 बेबीज को जन्म देगा, या फिर कह लीजिए बेबी अर्थवर्म को जन्म देगा, ठीक। एक कुकून 2 से 20 बेबी अर्थवर्म को जन्म देता है कितने दिन बाद, तो लगभग 3 वीक बाद, यानी 3 वीक्स, 3 हफ्ते बाद, ठीक। 3 हफ्ते, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो 9 महीने लगते हैं, यहाँ पे 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक, 3 वीक्स एवरेज जो है, यानी जनरली क्या होता है कि एवरेज जो है वो 4 बेबीज बनते हैं, 4 बच्चे बनते हैं, ठीक, एवरेज 4 बेबीज हैं, लेकिन 2 से लेकर 20 बच्चे तक बन सकते हैं एक बार में, ठीक। तो ये हो गया अर्थवर्म के बारे में सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मेंट इज डायरेक्ट, इसका क्या मतलब होता है, मतलब किसी तरह का मेटामॉर्फोसिस जिसे आप कहते हैं, जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में आप देखेंगे पहले बेबी बनेगा, बेबी से लार्वा बनेगा, तो यहाँ पे कोई लार्वा वाली स्टेज नहीं होती, नो लार्वा स्टेज, किसी तरह के लार्वा वाली स्टेज नहीं होती यहाँ पे, ठीक। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वा स्टेज। तो यहाँ पे अब आपका टॉपिक बस हल्का सा रह गया है कि फॉर्मर ऑफ फ्रेंड्स का, जो अर्थवर्म्स होते हैं इनको हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, ठीक, यानी हमारे किसानों के दोस्त कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि अर्थवर्म आपको पता है कि बरो बना के रहते हैं, यानी बिल खोद के रहते हैं, बरो बनाते हैं, ठीक। बरो बनाने से क्या होता है कि सॉयल जो होती है उसमें छेद हो जाते हैं, यानी पोरस हो जाती है, सॉयल बिकम्स पोरस, ठीक, सॉयल पोरस हो जाती है। पोरस होने का क्या फायदा है, जो भी पानी गिरेगा उस सॉयल में वो आसानी से रूट तक पहुंच जाएगा, हवा जो होती है वो आसानी से रूट तक पहुंच जाती है, ठीक। तो इसका फायदा थोड़ा सा लिख देते हैं, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हवा आसानी से नीचे तक चली जाती है, ठीक, रेस्पिरेशन एंड पेनेट्रेशन बहुत आसान हो जाता है, यानी अगर सॉयल में कई सारे छेद रहेंगे, पोर रहेंगे, तो जो रूट है वो आसानी से सॉयल को खोद के अंदर जा सकेगी, ठीक, पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन ऑफ रूट्स, रूट की पेनेट्रेशन में और रेस्पिरेशन में यहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है, तो इसी वजह से फार्मर के फ्रेंड्स कहते हैं। अब अगर रेस्पिरेशन अच्छा होगा, पेनेट्रेशन अच्छा होगा, तो क्या होगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, फर्टिलिटी मतलब पैदावार, फर्टिलिटी इंक्रीजेस, ठीक, इससे फर्टिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक, ज़्यादा फसल बनेगी और
अगर अर्थवर्म का यूज करके हम फसल को इम्प्रूव करते हैं तो इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अर्थवर्म खत्म होता है। बहुत ही लंबा टॉपिक लेकिन बहुत ही आसान, इतना ज़्यादा वो टफ नहीं था, ठीक। और ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर से क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो और एक बार में याद करने की कोशिश ना करिएगा, कुछ नहीं याद होगा अगर एक बार में याद करना चाहेंगे, ठीक। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, ठीक, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, या फिर चैनल पे भी कोई चीज़ न समझ में आई हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नहीं तो फेसबुक पे एक ग्रुप है नीड गुरु नाम से, उस पर मेरा जो चैनल का साइन है वो बना होगा, तो उस पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक। अगर लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और क्या, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक। बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।